इस स्टॉक का प्राइस है 4,339 रुपीज़ का और शेर खान ने इस स्टॉक के लिए टारगेट सेट किया है 5,620 रुपीज़ का। इस हिसाब से इस स्टॉक में हमको 32% प्रॉफिट मिल सकता है। और वहीं अगर आप अपने पैसों को बैंक FD में रखते हैं तो आपको वहां पर 4 से 6% का इंटरेस्ट मिलता है, यानी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद आप बैंक FD से 6 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एंड कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, कंपनी ने शेयर मार्केट में लिस्टेड होने के बाद से अब तक 47,566% का रिटर्न दिया है, यानी इस स्टॉक में आपने लिस्टेड होने के दिन अगर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो आज उन 10,000 रुपीज़ की वैल्यू 9 करोड़ के बराबर होती। तो कौन सा है यह स्टॉक, क्या यह स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड की। डिवीज लेबोरेटरी वर्ल्ड की लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है। यह सिंथेसाइज जेनरिक APIs, इंटरमीडिएट और न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का मैन्युफैक्चर करती है। वर्ल्ड वाइड कंपनी की प्रेजेंस 95 कंट्रीज में है। डिवीज लेबोरेटरी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो 85% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और बाकी का 15% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू में 47% यूरोप से, 23% अमेरिका से, 11% एशिया से और बाकी का 4% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। बात करें इसके मार्केट कैप की तो कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैप 1,15,049 करोड़ की है। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 4,339 रुपीज़ का चल रहा है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 23.9% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.1% का है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 4.17 करोड़ का डेट है, जो कि ना के बराबर है। एंड कंपनी का एनुअल प्रॉफिट 1,984 करोड़ का है और कंपनी के पास 1,037 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। इसका अर्निंग पर शेयर 96.7 रुपीज़ का है एंड कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 52% की है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू 4,000 करोड़ से बढ़कर 7,030 करोड़ हो गया है और कंपनी का प्रॉफिट भी 880 करोड़ से बढ़कर 1,980 करोड़ हो गया है। एंड हमारे अलावा 61% एनालिस्ट ने इस स्टॉक को बाय की रेटिंग दी है, लेकिन हमारा काम है आपको स्टॉक के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना। यह किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर कर लें। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फेवरेट स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस देखने के लिए राइट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं।